हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड पाउडर। इसके लिए चाहिए कस्टर्ड, एक मैंगो और आधा किलो दूध। और 10 मिनट में हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। दूध डाल देंगे और उबलने के लिए रख देंगे। और इसमें से हम थोड़ा सा दूध लेके हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह चलाएंगे ताकि उसमें लम्स ना जाए जब हम डालेंगे तो। और पतला पतला देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया ये। इसके बाद हम मिल्क में थोड़ी चीनी डालेंगे। मैंने आधी आधी कटोरी चीनी डाली है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बच्चों को थोड़ी चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है। आधा किलो दूध में आधी चीनी बहुत है, आधी कटोरी। उसके बाद हमने जो अपना कस्टर्ड तैयार करा था धीरे धीरे डालेंगे ताकि इसमें चलाते रहेंगे लम्स ना आ जाए। अच्छी तरह चलाएंगे इसे स्लो फ्लो। हाँ जी, बिल्कुल स्लो स्लो चलाएंगे मंदी आंच पे। और इसका रंग जब तक चलाएंगे अच्छी तरह ये बॉईल ना हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका रंग आ गया है। इसको हम जब तक चलाएंगे देखिए कितना फ्लेवर अच्छा आ गया इसका। इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे गैस को बंद करके। ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे इसे। मैंगो फ्लेवर बच्चों को अच्छा लगता है। उसके बाद हम एक आम काटेंगे, उसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस। हमारे घर में या तो ब्रेड हो या रस हो या बिस्किट हो, तो मेरे पास बिस्किट थे नारियल के। मैंने एक छोटे से टिफिन में छोटे छोटे नारियल के बिस्किट रख लिए और उसके बाद हमने ये अपना फ्लेवर डाल दिया। फिर छोटे छोटे जो मैंगो के पीसेस काटे थे वो डाल दिए उसके ऊपर। फिर हम बिस्किट रखेंगे, फिर उसके बाद फिर लेयर लगाएंगे इसमें ताकि केक जैसा स्वाद आता है। जब हम इसे सर्व करेंगे तो केक जैसा है। उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको हम 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में इस तरह से देखिए कितना अच्छा फ्लेवर रंग आया है। फ्रिज में 10-15 मिनट बाद मैंने निकाला है और इसको निकालने के बाद ठंडा ठंडा बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये टेस्टी टेस्टी मीठा, बच्चों को कई बार मीठा खाने का मन करता है। इसे सर्व कीजिए, खाइए और बताइए मुझे कैसा बना। और लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो मेरी, और कमेंट कीजिए, बना के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।